ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में काफी उठा पटक का दौर चल रहा है। जिस तरह की चिंता जापान को लेकर बनी है, चाइना और यूएस के जो इकोनॉमिक नंबर्स आए थे वो काफी कमजोर लग रहे थे, इससे साफ तौर से मंदी के संकेत पूरी दुनिया में दिख रहे हैं। उसका असर कमोडिटी मार्केट पर भी काफ़ी हद तक हो रहा है, खास करके गोल्ड और सिल्वर में। गोल्ड जो आमतौर पर सेफ हेवन बाइंग के तौर पर जाना जाता है, और साथ ही जब ऐसे दौर में गोल्ड की बाइंग होती है वहाँ भी अभी फिलहाल खरीदारी थोड़ी कम हो गई है। क्या वजह है और आगे किस तरह की चाल रह सकती है? और साथ ही एक और मुद्दा है, वो है कि IAGS जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाने का ऐलान हुआ है, जो ये इंडिया के जितने भी ज्वेलरी संगठन हैं और साथ ही WGC के सपोर्ट से ये संगठन बनाया जाएगा, इस मुद्दे पर भी हम इस पर बातचीत करने वाले हैं। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं, सचिन जैन है, रीजनल CEO इंडिया है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के। शुक्रिया सचिन जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले सर, आप लोगों की जो ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है ये कैसे काम करेगी, इसके पीछे बनाने का मकसद क्या है, इससे कंज्यूमर्स को क्या फायदा होगा और इंडस्ट्री के पूरे वैल्यू चेन को क्या फायदा होगा? जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके प्लेटफॉर्म में आपने मेरे को एक मौका दिया हमारी बात सामने रखने का। और जैसे आपने मेंशन किया कि IAGS जो हमने एक एसोसिएशन बनाने का एक ऐलान किया है, IAGS है इंडिया गोल्ड इंडिया एसोसिएशन फॉर गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड्स। ये इंडस्ट्री के द्वारा और इंडस्ट्री से ही को ही मैनेज करके एक ये संगठन आगे बढ़ेगा। इसमें एक हमने जो एक पहल रखी है सेल्फ रेगुलेशन की, और कई इंडस्ट्रीज में हमारी इंडिया में भी सेल्फ रेगुलेशन रहती है। आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को देखें, आप IT इंडस्ट्री को देखें, हॉस्पिटल इंडस्ट्री को देखें, होटल इंडस्ट्री को देखें, और एक भारत सरकार का भी एक ही हमारे से अनुरोध रहा है कि एक सेल्फ रेगुलेशन हमारी इंडस्ट्री में होनी चाहिए। बहुत गर्व के साथ आपके श्रोताओं को शेयर करना चाहता हूं कि IAGS एक पहला एक कदम है जो पूरे संसार में एक पहली ऐसी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे इंटायर गोल्ड वैली चेन को एक रिप्रेजेंट करेगी। इसमें हर प्रकार के जो गोल्ड से रिलेटेड है लोग जुड़ सकते हैं, राइट फ्रॉम बुलियन ट्रेडर्स, रिफाइनर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स और रिटेलर्स, हर प्रकार से जो जुड़े हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एक सर्टन टर्नओवर के ऊपर ही आप जुड़ सकते हैं, आपका जो भी साइज बिजनेस का है आप इसके साथ इस संगठन के एक द्वारा मेंबर हो सकते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट यह है कि जैसे हमने बोला कि एक इंडिपेंडेंट बोर्ड रहेगा जिसमें सारे हमारे देश के इंपॉर्टेंट एसोसिएशन एक तरह से हैं, इसी इक्वल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स रहेंगे जो जो बहुत व्याख्यात हैं, जो बहुत एक सम्मिलित है हमारे देश को एस्टैब्लिश करने में। इसमें इंपॉर्टेंट हमारे ऑफिसर्स जो IAS रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं कई सारे को भी जुड़ा हुआ है हमने। और ये एक संस्था है, ये इंडिपेंडेंट ऑडिट करेगी ऑन जैसे कोड ऑफ कंडक्ट आपका हमने सेट किया है, जो 6 प्रकार की वैल्यू चेन में लोग सम्मिलित हैं, जैसे रिफाइनर्स का अलग कोड ऑफ कंडक्ट है, रिटेलर्स का अलग कोड ऑफ कंडक्ट है, और इन सब के द्वारा एक कंज्यूमर जो एक स्ट्रीट पे कंज्यूमर है जो एक हमारी इंडस्ट्री से कुछ कुछ परचेज करना चाहता है या एक हमारा ग्राहक बनना चाहता है, उसको पूरा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है या पिछली पर्टिकुलर जैसे एक दुकान है या एक कंपनी है वो एक सर्टन कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा ही काम कर रही है। और एक ट्रस्ट डेफिसिट जो हमें लगता है जो एग्जिस्टिंग है, एक कंज्यूमर जो हमारी हमारी गोल्ड की एक कंजम्पशन करता है कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट डेफिसिट रहता है। और हमारा सोचना यह है कि एक अगर हमारी एस्टैब्लिश SRO होगी उससे एक इंडस्ट्री की एक वॉइस बनेगी और एक एक प्रॉपर ऑडिट के साथ हम ये फिल्टर कर पाएंगे कि लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिकग्निशन मिले और कंज्यूमर उनके पास आए। सो हम और अभी भी हमारा सोचना यह है कि ज्यादातर जो लोग हैं हमारे जो इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छा काम ही करते हैं, लेकिन उनको एक एक्रेडिटेशन देना और जो छोटे व्यापारी हैं जो चाहते हैं एक रिकग्निशन लेना, उनको एक जरिया देना कि भाई किस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप चेंजेस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी कंपनी में कर पाए और उसके द्वारा वो दे कैन बी एट पार विद एनीबडी इंटरनेशनली। तो ये इसका कोर मुद्दा है और हमारा सोचना यह है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ये पहल हुई है, इससे लॉन्ग टर्म में पूरी इंडस्ट्री का एक महत्व बढ़ेगा, एक लॉन्ग टर्म में एक ट्रस्ट हुआ, कॉन्फिडेंस हुआ, और पूरे इस जरिए से एक कंज्यूमर को हमारे पूरी इंडस्ट्री को बेटर कॉन्फिडेंस आएगा और एक सरकार को गवर्नमेंट को भी एक एक वन वॉइस हमारे पूरे इंडस्ट्री की मिल पाए। सर अगर कोई ज्वेलर अगर यहाँ पर आता है, अगर उन्हें अगर ये अगर IAGS की का उनको एक्रेडिटेशन मिलता है तो क्या होगा, उनको क्या फायदा मिल सकता है उसका? हमारा सोचना यह है विश्व
पहला तो आप एक एक ऑडिट से एक प्रॉपर बिजनेस को चलाएं। तो जैसे हमने कोड ऑफ कंडक्ट पूरी इंडस्ट्री के साथ मिलके बनाया है, जैसे मैं आपको कुछ एक चीजें बताऊंगा, जैसे कि चाइल्ड लेबर है, जैसे कि आप टैक्सेशन देते हैं, जैसे कि आप जो एक फ्रेमवर्क सरकार ने सेट किया हुआ है, इवन फॉर एग्जाम्पल ऑल मार्केट को लेके आप उसको एडेयर करते हैं। सो ऑल ये सारे की प्रिंसिपल्स हैं, आप इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, ऑल ये सारे की प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप आज का हमारा एक एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा देखें तो इस साल के एंड तक 70% हमारी जो जनसंख्या है वो मिलेनियल और यंगर होगी, थोड़े इसी यंग कंज्यूमर रहेंगे, और इन सबको ये इन चीजों की एक मैटर रहती है और एक इन चीजों का महत्व रहता है। सो एक कंज्यूमर, एक अगर आप छोटे दुकानदार हैं और अगर आप रिटेलर हैं, आप आईजेस से आए, आपको कोड ऑफ कंडक्ट मिलेगा अपने बिजनेस को बेटर करने के लिए, एक बिजनेस के लिए ट्रांसपेरेंसी के लिए। और हम लोग एज वर्ल्डपूल काउंसिल इस पूरी एक इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे हैं, और एक तो सीड कैपिटल है जो इसको इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए और टीम बनाने के लिए है, लेकिन हमारा इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है 2024 से एक वो रहेगा, ये अगले कई सालों तक हम इसको सपोर्ट करेंगे। पर हमारा ये एक एक जैसे हमारा एक इनिशिएटिव ये रहेगा कि कंज्यूमर को इस लोगो के बारे में, इसकी इस एसोसिएशन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, और इससे जुड़ने का क्या फायदा है वो कंज्यूमर के दिमाग में हम लोग बिठाएंगे। तो अगर आप रिटेलर हैं और आप अपने बिजनेस प्रॉपर्ली कर रहे हैं, तो आपको अगर एक्रेडिटेशन मिला तो कंज्यूमर को हम इंश्योर करेंगे कि देयर अवेयर ऑफ पीपल हु डूइंग जो अच्छा काम अच्छे तरह से कर रहे हैं। सचिन, एक सवाल मेरा ये होगा, जो कारोबारी होंगे जो पूरे वैल्यू चेन से कोई भी जुड़े हुए, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, रिटेलर्स हो या फिर रिफाइनर्स हो, तो क्या अगर IAGES से अगर वो जुड़ते हैं तो क्या उनको इंटरनेशनल मार्केट में भी फ़ायदा मिलेगा क्या? क्योंकि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से अगर इसे सपोर्ट मिल रहा है तो उनका फ़ायदा उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में भी मिल सकता है क्या? अब अगर आप देखें इसमें क्या विषय जी के जो एक स्टैंडर्ड ये हमने सेट किए हैं, जो इसके ये हमने इंडस्ट्री से डिस्कशन में करें, इसका एडवांटेज पहला स्टेप तो ये है कि एक इंडियन कंज्यूमर को बेनिफिट मिले। लेकिन हमारा सोचना ये भी है कि अगर आप एक ग्लोबल लेवल पे इसको देखेंगे और आप स्थिरता से सारे चीजों का एग्रीडेशन कर रहे हैं, जिस तरह से IAGES आगे बढ़कर सक्सेसफुल होगी, इसमें एक्सपर्टों को और बाहर जो लोग काम करें उसका डेफिनेटली फायदा मिलना चाहिए। लेकिन पहले फेज में पूरा फोकस हमारा इंडियन कंज्यूमर को लेके है कि इंडियन कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस कैसे ज्यादा दिया जाए। बात है, ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है इंडियन एसोसिएशन फॉर गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड, और जिसे देश की तीन बड़े ज्वेलरी संगठन IBJA, GJCE और GJEPC द्वारा गठन किया गया है, और WGC का उसे सपोर्ट मिल रहा है। तो ये अच्छी बात है, सेल्फ रेगुलेशन सरकार भी चाहती है और आप लोगों ने इस ओर एक बड़ा पहल किया है, पूरी इंडस्ट्री को इसका फायदा होगा, ग्राहकों का भी, कंज्यूमर्स का भी भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि पारदर्शिता बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर में। चलिए सर, अब कुछ बात मार्केट की कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से फंडामेंटल बदले हैं पिछले कुछ दिनों में, पूरी तरह से ग्लोबल मंदी की संभावना बन रही है। US के डेटा देखिए, चाइना के डेटा देखिए, जापान में एन मजबूत होने से और चिंता बढ़ी है। क्या लग रहा है, किस तरह का सिनेरियो बदलेगा गोल्ड के मार्केट में, क्या कुछ होने वाला है? क्या अब तक गोल्ड को फायदा दिख नहीं रहा है अभी शुरुआती दौर में? हालांकि आमतौर पर जब भी इस तरह के रिसेशन की शुरुआत होती है तो गोल्ड और सिल्वर नहीं चलते हैं, बाद में इनमें तेजी आती है, आप इस पर क्या कहेंगे? बक्षा जी, ये बहुत एक ऐसा एग्जाम्पल उस समय का है कि जब पूरे वॉलिटिलिटी रहती है, गोल्ड में स्थिरता रहती है। और हमारा हमेशा से कहना रहा है कि गोल्ड को जब आप देखें एज ए इन्वेस्टमेंट, उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखें। और ये जो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव चल रहा है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। और जैसे आपने अभी मेंशन किया कि जापान में कल एक यू नो काफी काफी चेंजेस आए, आज वो थोड़ी कुछ बेटर भी हुए, लेकिन सोना जो है एक लॉन्ग टर्म एसेट है। सोना जो है बहुत अच्छा डाइवर्सिफायर है, और इसे आप लॉन्ग टर्म जरिए से ही एक नजरिए से एंड शॉर्ट टर्म से ना देखें। और हमारा सोचना यह है कि जो अभी ऊपर उतार चढ़ाव चल रहा है, लेकिन हमारा सोचना यह है कि ये यू नो ओवर द नेक्स्ट अब समझिए 3-4 हफ्ते में थोड़ी स्टेबिलिटी आनी चाहिए, और फिर हम देखना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। लेकिन गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लॉन्ग टर्म ही एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। जो रीजंस रहे हैं गोल्ड के यू नो इतने एक्सेलरेशन के, वो रहे थे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो अभी भी काफी इंस्टेबल है, सेंट्रल बैंक की बाइंग जो काफी कम हुई क्वार्टर टू में हमने देखी, लेकिन जो इंडियन कंज्यूमर की कोर बाइंग है, आप देखिए क्वार्टर टू में करीब 47% उसका इंक्रीज हुआ इन्वेस्टमेंट में। हमने ज्वेलरी में उसका बहुत गिरावट भी देखी है, 17% करीब गिरावट हमने क्वार्टर टू में देखी। लेकिन हमारा जो अभी जो हमारा कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर को हमने स्टडी किया है, उसमें हमारा सोचना यह है कि ये जो करेक्शन हुई है प्राइसेस की विद ड्यूटी रिडक्शन के हिसाब से,
उससे एक इंडियन कंज्यूमर गोल्ड को कंज्यूम करने के लिए रेडी है, आभूषणों के लिए, ज्वेलरी के लिए। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो मिड लॉन्ग टर्म हमारी कंजम्पशन अच्छी रहनी चाहिए, और ये जो प्राइस की आपने बात करी इसको अभी और 2 से 4 हफ्ते में थोड़ी स्टेबिलिटी आनी चाहिए। सर अब एक सवाल होगा, इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या रुझान बन रहा है, खास करके गोल्ड ETF को लेकर किस तरह की संभावनाएं आगे दिख रही है आपको, क्या वहां पर ट्रैक्शन बेहतर होने वाला है आने वाले समय में? अगर आप देखें इसमें ये, अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड और ईस्टर्न वर्ल्ड का इसको एक थोड़ा इजाजा करें तो जो हमारा पूर्वी संसार था वेस्टर्न वर्ल्ड में, क्वार्टर वन में उन्होंने काफी प्रॉफिट बुक करा, काफी लिक्विडेशन हुई, क्वार्टर टू में हमने उसमें थोड़ा गिरावट देखी एज इन लिक्विडेशन कम हुई, और हमारा सोचना यह है कि क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर में जो वेस्टर्न इन्वेस्टर ETF और इन्वेस्टमेंट में बाहर था वो वापस मार्केट में आएगा। तो ये तो वेस्टर्न मार्केट का रहा। ईस्टर्न मार्केट में हमने कंसिस्टेंटली ग्रोथ देखी है, इंडिया में AUM करीब ऑलमोस्ट 49 टन्स ETF में आ गया है, अगर आप इसको देखें तो पिछले एक साल में काफी इसमें ग्रोथ है, और हमारा सोचना यह है कि अगले 2 तिमाही में भी इसमें ग्रोथ आनी चाहिए, मॉडेस्ट अच्छी एक्सेलरेटेड ग्रोथ आनी चाहिए। शुक्रिया सचिन जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और तमाम मुद्दों पे बात की। एक तो आप लोग जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो का गठन का जो ऐलान हुआ उस पर भी बात की, और साथ ही हमारे दर्शकों को फंडामेंटल्स के बारे में भी बताया और किस तरह का ट्रेंड दिख रहा है गोल्ड के मार्केट में, ये भी शेयर किया आपने। चलिए वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स होंगे जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे गोल्ड और सिल्वर में जो गिरावट आई है कहाँ तक भाव नीचे आ सकता है, कहाँ पर आपको लंबी अवधि के लिए खरीदारी करनी चाहिए, और चांदी में ऐसे कौन से लेवल है जहाँ से आपको जरूर खरीदारी करनी चाहिए, बताएंगे आपको सब कुछ ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं गोल्डन कॉल, जहां पर अब हम आपको बताने वाले हैं कि गोल्ड और सिल्वर में अगर आपको खरीदारी करनी है तो किन लेवल्स पे खरीदारी करें। हमारे साथ 2 मेहमान हैं जो आपको मदद करेंगे, मानव मोदी हैं मोतीलाल ओसवाल से और नितिन केडिया हैं नेशनल सेक्रेटरी हैं AIJGF के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मानव आपके पास आएंगे, आप लंबी अवधि के लिए पहले बताइए, अगर किसी को लंबी अवधि के लिए सोना खरीदना हो तो किन लेवल्स तक इंतजार उनको करना चाहिए, कहाँ तक भाव नीचे आ जा सकता है? जी बिल्कुल विश्वमन जी, मेरे ख्याल से सोने चांदी दोनों में ही हमने काफी करेक्शन देखी है। सोने की पहले बात करेंगे तो डोमेस्टिक फ्रंट पे येन की जो अनवाइंडिंग हो रही है उसका ही डिस्ट्रेस हमें बाकी सारे एसेट क्लास में भी देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से 3 से 4 पॉजिटिव फैक्टर्स है जो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल में ज्यादा कोई चेंजेस हुई नहीं है। रेट कट की एक्सपेक्टेशन और बढ़ गई है, 50 बेसिस पॉइंट्स की रेट कट एक्सपेक्टेशन है सेप्टेम्बर में, जियो पोलिटिकल टेंशन भी है, डॉलर इंडेक्स भी आप देखेंगे नीचे है, लेकिन जब तक येन अनवाइंडिंग की जो डिस्ट्रेस है वो थोड़ी सेटल डाउन नहीं होती है तो थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के हिसाब से 69,500 अभी उसके आसपास अगर हम चल रहे हैं तो नीचे में 68,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर वहां पे मिलता है तो डेफिनेटली बेस्ट बेट होगी। हमने पिछली बार भी ये लेवल की बात की थी, लंबे अवधि के लिए 68,000 का जो जोन है वो बहुत अच्छा जोन है बाय करने के लिए। ऊपर में ये साल के लिए अगर हम टारगेट देखेंगे तो मेरे ख्याल से 72,000-73,000 के आसपास का एक नियर टर्म टारगेट बनता है। अगर लंबे समय के लिए टारगेट की बात करें तो हमारा 80,000 का लेवल था, अगर उसमें 9% का जो इम्पोर्ट ड्यूटी वो वैल्यू ऑफ करेंगे तो भी अराउंड 76,500 के आसपास का बनता है। तो ये व्यू आपका यहाँ पर गोल्ड को लेकर है, गोल्ड पर इनको लगता है कि आने वाले समय में 70,500 से 71,000 रुपये तक जा सकता है और 67,500 से 68,000 के आसपास आपको खरीदारी करनी चाहिए। नितिन जी आप बताइए, थोड़ा मीडियम टर्म के हिसाब से बताइए क्या लग रहा है, सोने की चाल आपको कैसी दिख रही है, क्या और भी भाव नीचे आ सकते हैं क्या, और अगर किसी को एंट्री करनी है तो किस भाव पर खरीदना सबसे बेहतर होगा? देखिए आई एग्री विथ मानव की, जो मानव ने बोला कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अपसाइड का बना हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे जो एंट्री बनती है वो 2 तरीके से बनती है। अगर गोल्ड मान लीजिए 69,600 के ऊपर निकल जाता है, 600-650 के ऊपर निकल जाता है और डेली बेसिस पे अगर हमें क्लोजिंग 69,650 के ऊपर मिलती है
तो हम गोल्ड को 70,950 के टारगेट के लिए मीडियम टर्म के लिए बाय करके रख सकते हैं, और ऑन द डाउन साइड मुझे लगता है कि मीडियम टर्म के लिए 69,000 जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, और 69,000 के आसपास आता है तो 68,300 का अगेन स्टॉप लॉस लेके 70,900 के टारगेट्स के लिए हम इसको ले सकते हैं। वेदर इट कम्स डाउन और इट मूव्स अबव बिलो अबव 69,600, दोनों ही केस में जो टारगेट हम गोल्ड का लेके चल रहे हैं वो 70,900 के आसपास लेके चल रहे हैं। विश्वमन जी, तो 70,900 का जो आपने टारगेट दिया है नितिन जी, इसके लिए टाइम फ्रेम क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि हम आजादी का झंडा लहराएंगे 15 अगस्त के आसपास, तो उसी के 2-3 दिन आगे, बिकॉज 15 अगस्त को हमारे मार्केट्स बंद है और 14 को सीपीआई का डेटा आ रहा है, तो मुझे लग रहा है 14 की सीपीआई के डेटा के आने के 3-4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर, यानी 20 अगस्त जो है वो हमें 70,900 का प्राइस जो है वो मिल जाना चाहिए। सर, चांदी को लेकर आप क्या व्यू बना रहे हैं? चांदी की कॉल आपकी जो पिछले दिनों बात हुई थी तो बिल्कुल परफेक्ट बैठी थी, चांदी नीचे की तरफ कहां तक आ सकती है? देखिए, चांदी में हमारा गोल्ड के अपोजिट व्यू है। हमारा मानना है कि अगर 78,000 का लेवल जो है वो सिल्वर में अगर ब्रेक होता है तो हमें 74,000 तक के लेवल जो है वो सितंबर में देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज जब तक चाइना से किसी भी तरह का स्टिमुलस नहीं आता है तब तक चांदी जो है वो सेल ऑन बाउंस रहेगी। अगर 78,000 ब्रेक करती है तो भी हम M6 में इसको सेल करके चल सकते हैं फॉर द पोजिशनल टारगेट ऑफ 74,000। अदरवाइज बाउंस हमें कहीं भी मिलता है 80,000 के आसपास प्लस माइनस 500, वहां पे भी हम सिल्वर को सेल करके ही चलेंगे। कब तक सेल करना है नितिन जी, चांदी को कब तक सेल करें, कहां पर हम खरीदारी करें? अगर कोई खरीदना चाह रहा है, किसी को लंबी अवधि के लिए खरीदना है तो कहां पर खरीदारी करनी चाहिए चांदी को? सर, मुझे लगता है अगर लंबी अवधि के लिए खरीदना है तो हमें वेट करना चाहिए। 78,500 50% ले सकते हैं और रिमेनिंग 50% जो है वो 74,500 या 75,000 तक ले सकते हैं। तो यानी आपको लग रहा है कि 74,500 तक भी चांदी नीचे आ सकती है, ये भी संभावनाएं बन रही है। मानव, आप बताइए चांदी को लेकर आपकी राय क्या है, लंबी अवधि के लिए क्या है और पोजिशनली कैसी दिख रही है चांदी यहाँ पर? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से इमीडिएट बेसिस पे मैं सहमत हूँ कि अभी भी थोड़ा पेन बाकी है, क्योंकि चाइना की तरफ से डेटा आ रहा है वो भी थोड़े नेगेटिव है, प्लस कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है वो भी साथ नहीं दे रहे हैं। तो जब तक कॉपर थोड़ा स्टेडी नहीं होता है चांदी में वो थोड़ा पेन बना रहेगा, प्लस असेट क्लास का जो मेजर सेल ऑफ दिख रहे हैं वो भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और चांदी हमें पता है हाई बीटा कमोडिटी है। लेकिन मेरे ख्याल से 78,000 एक इमीडिएट जो सपोर्ट है, जैसे सर ने बात 78,000 एक अच्छा लेवल होगा फर्स्ट लेवल ऑफ एंट्री के लिए। मेरे ख्याल से वहां से अगर उसके नीचे क्लोजिंग आती है तो 77,500-77,000 का एक नेक्स्ट लेवल है जहां पे और एक एंट्री जोन बन सकता है। तो ये 2000 का जो रेंज है, अगर कॉमिक्स की बात है 26 डॉलर्स का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कॉमिक्स पे। और M6 के अगर डोमेस्टिक फ्रंट की बात करें तो 76,500-77,000 लॉन्गर फ्रेम में और 78,000 इमीडिएट बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है जहां से हम स्टैगर्ड वे में बाइंग कर सकते हैं। ऑल इन नहीं जाना है, छोटे छोटे लेवल्स पे हम एंट्री लेंगे। और लंबे समय की टारगेट की अगर बात करें तो इमीडिएट बेसिस पे मेरे ख्याल से 87,500-86,000 का एक जो जोन है वो बनता है लंबे समय के लिए। इमीडिएट बेसिस पे जब तक 84,500 नहीं निकलता है तब तक थोड़ा वो पेन दिखेगा, लेकिन अक्यूमुलेट करेंगे, बायो इंडेक्स करेंगे तो एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में बेटर जोन्स मिल सकते हैं। तो चलिए, चांदी पर आपको व्यू पता चल गया, गोल्ड पर व्यू पता चल गया, लेकिन अब नितिन केडिया जी, अब आपसे मेरा एक सवाल ये होगा, जितने भी फैक्टर्स हैं सोने के लिए सपोर्टिव है, चाहे वो यूएस के जॉब मार्केट में जिस तरह की स्लो डाउन है, अब 12 महीने के औसत से देखें तो आधी से भी कम नौकरी, आधे के आसपास नौकरियाँ रह गई है जुलाई के जो डेटा है, बेरोजगारी दर 3 साल से ज़्यादा की ऊंचाई पर है, साथ ही सैलरी ग्रोथ भी कमज़ोर, मैन्युफैक्चरिंग आंकड़े कमज़ोर, चाइना और जापान को लेकर चिंता है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, उसके बाद भी सोना क्यों नहीं चला इस बार, या टाइम लेगा आगे चलेगा, क्या आपको क्या ऐसा लगता है और कब तक चलेगा? सर, मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड में जो है वो अभी डोमिनोज इम्पैक्ट आया हुआ है। डोमिनोज इम्पैक्ट का मतलब है जब एक एसेट क्लास के अंदर जो है हम कोई एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल आते हुए देखते हैं तो उसके M2M की वजह से दूसरे एसेट क्लासेस जहां पे प्रॉफिट हो रहा है वहां पे ट्रेडर्स जो है अपनी पोजिशन को एग्जिट करते हैं, जिसकी वजह से हम गोल्ड के अंदर अभी ये देख रहे हैं कि तेजी जो है वो नहीं बन पा रही है। और ओवरऑल फरवरी से लेकर अब तक देखें तो लगभग 15% की तेजी ऑलरेडी गोल्ड में आ चुकी। तो मुझे लगता है अगर मंदी नहीं आती है, 2370 का लेवल इंटरनेशनल में नहीं टूटता, तो गोल्ड को हम ये कंसोलिडेशन फेस बोल सकते हैं।
और जिस तरीके से अब 100 BPS की बात चल रही है रेट कट की टिल दिसंबर, तो मुझे लगता है कि गोल्ड जो है वो इस साल में कहीं 2600 के जो लेवल है, $2600 के जो लेवल है, वो इस साल में गोल्ड कभी भी लगा सकता है। आपको क्या लग रहा है गोल्ड को चलने में इस बार वक्त क्यों लग रहा है जबकि सारे फैक्टर्स यहां पे सपोर्टिव है मानव? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बात की विश्वमन जी, फंडामेंटल में कोई ऐसा चेंज हुआ नहीं है। यही जो सर ने बताया डोमिनो इफेक्ट है, लेकिन जैसे सारे एसेट क्लास परफॉर्म नहीं करे, एक सरप्राइजिंग बात अगर आप नोटिस करेंगे तो डॉलर इंडेक्स भी इन सरप्राइजिंग डिस्ट्रेस मोमेंट में नीचे के लेवल पे। एक जो सपोर्टिव फैक्टर है वो यूएसडी आइनर है, वो ऑलमोस्ट 84 के लेवल पे हमने आता हुआ देखा, तो वो एक रूपी डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट डोमेस्टिक फ्रंट पे मिल रहा है। जैसे ही थोड़ी डिस्ट्रेस सेटल होती है, क्योंकि फ्राइडे के लेवल पे नॉन फार्म पेरोल के बाद एक इमीडिएट रिएक्शन दिखा था, लेकिन येन अनवाइंडिंग की पोजीशन जो खबर थी वो भी तुरंत आ गई थी। मंडे को भी वही फैक्टर चला और उसी की वजह से यूएस ट्रेजरी, यूएस इक्विटी, उसका इंपैक्ट हमारे इंडियन इक्विटीज और फिर कमोडिटी में जो मार्जिन ट्रिगर्स होते हैं उसका पड़ा है। तो जब तक ये थोड़ा स्टॉर्म जो बोलेंगे, स्टॉर्म सेटल नहीं होती है, तूफान थोड़ा ठंडा नहीं पड़ता है, तब तक मेरे ख्याल से ये पेन दिखेगा। जैसे ही ये पेन सेटल होता है, जो फंडामेंटल पहले थे वही वापिस सपोर्ट करने शुरू हो जाएंगे। चलिए, तो आपने व्यू सुन लिया गोल्ड और सिल्वर को लेकर, लेकिन एक अहम खबर जिस पे हम बातचीत कर रहे थे सचिन जैन से, WGC के CEO से, अब नितिन जी आपसे वही सवाल होगा। IAGES, इंडियन एसोसिएशन फॉर गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड्स, इन लोगों ने गठन करने का ऐलान किया है, WGC से सपोर्ट है और तीन बड़े संगठन ने इस के द्वारा ये गठन किया गया है, IBJA, GJC और GJEPC। इससे गोल्ड मार्केट को कितना फायदा होगा इस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का? सर देखिए, कस्टमर्स के दिमाग में, या मान लीजिए ट्रेडर्स जब B2B पे भी एक दूसरे से ट्रेड करते हैं, तो एक एसोसिएशन ऑलरेडी वेरीफाइड का प्रोग्राम चला रही है, तो ऑन द ग्राउंड दो समल्टेनियस प्रोग्राम कैसे चलेंगे उसको लेके भी मेरे को संशय है, क्योंकि दो दो अथॉरिटीज एक साथ एक प्रोग्राम नहीं चला सकती हैं, इधर दोनों कोई एक ही इसमें चल पाएगा। लेकिन इस तरह की जब भी कोई अथॉरिटी बनती है तो उसका स्वागत तो रहता है इंडस्ट्री में, और जितनी भी ट्रांसपेरेंसी आई उसका AIJGF जो है वो हमेशा वेलकम करता है। असल की सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी तो ज़रूरी है, हर बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जहाँ पे रेगुलेटेड अगर नहीं है तो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ज़रूरी है, ताकि अगर उससे अगर आपको मान्यता मिले तो उससे ग्राहकों का भी, कंज्यूमर्स का भी भरोसा बढ़ता है। शुक्रिया नितिन जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, मानव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए गोल्डन कॉल को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।